हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नए व्लॉग में। सामने खड़ी है भाई स्विफ्ट ZXI प्लस ड्यूल टोन, मतलब काफ़ी स्पोर्टी फील हो रही थी, सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं इसके ऊपर। सो यहाँ पर आप चेक करो रेड कलर में कितनी ज़्यादा ब्राइट है भाई इसकी, मतलब आंखें दुख गई भाई इतनी ज़्यादा ब्राइट है। बूट की बात करो तो यहाँ पर आपको 268 लीटर्स की इसमें बूट स्पेस दी गई है, और ये देख लो 60-40 में आप यहाँ पर स्प्लिट कर सकते हो सीट्स को। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट के साथ आपको ये सीट्स मिल जाती हैं। एंड अगर हम खुल के बात करें तो मतलब कि ये मॉडल यार काफ़ी कम लोग लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते, क्योंकि मोस्टली यार VXI इसका बेस्ट सेलर है स्विफ्ट का। और आप यहाँ चेक कर सकते हो इसमें आपको डिफोगर, वाइपर, वॉशर सब कुछ मिल जाएगा। LED में आपको टेल लाइट्स मिल जाती हैं इस गाड़ी के अंदर, और मतलब काफ़ी स्पोर्टी फील होती है भाई। ड्यूल टोन जो वेरियंट है ना भाई, इसमें हर एक गाड़ी स्पोर्टी फील हो जाती है, क्योंकि छत हो जाती है ब्लैक। तो यहाँ पर आप चेक कर लो 15 इंचेस के यहाँ पर आपको व्हील्स मिल जाएंगे इसमें। एंड चलो अब हम चेक करते हैं इसमें कितना आपका जो पीछे का डोर है खुल जाता है। ये देख लो 90 डिग्री तो नहीं है भाई, बट थोड़ा बहुत तो मतलब कसर रह जाती है हर एक चीज़ में। सो ये गाड़ी भाई आपको पड़ जाती है 9.5-10 लाख तक की ऑन रोड। और यहाँ पे आप ये चेक कर लो, स्पेस अच्छा खासा आपको मिल जाएगा, थाई स्पोर्ट भी अच्छा खासा मिलेगा, और यहाँ से आप इंटीरियर में थोड़ी सी झलक देख लो। बाकी हम आगे जाके बात करेंगे पूरी अच्छे से। हेडरेस्ट आपके एडजस्टेबल हैं, और यहाँ पर है भाई मैगजीन होल्डर, पर काम किसी का नहीं आता, ये ऐसी खाली बड़े रहते हैं सबके। सो इसको करते हैं बंद। आर्मरेस्ट आपको इसमें पीछे नहीं मिलता, जो कि एक मिस पॉइंट है भाई, टॉप मॉडल के हिसाब से होना चाहिए था। टर्न इंडिकेटर आपको RPM पे मिल जाएंगे, और ये ऑटो फोल्डेबल फंक्शन आपको मिलने वाले हैं। और आगे की बात कर लो भाई तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर लाइट्स मिल जाती हैं। फॉग लाइट्स की बात करो तो वो भी आपको नॉर्मल हैलोजन बल्ब मिलेंगे, और जो LED लाइट मिलती है भाई तगड़े लेवल की, मतलब बढ़िया बीम मिलेगी। अभी आपको मैं अंदर जाके प्रॉब्लम भी दिखाऊंगा इसमें, क्या एक प्रॉब्लम है भाई जो मेरे को फेस हुई है इस गाड़ी के अंदर, बाकी हो सकता है कि बाकी गाड़ियों में ना हो, इसी में ही हो, तो मेरे को कमेंट में वो भी आप बता देना ज़रूर। और ये चेक कर लो, रूफ पूरी ब्लैक है, मज़ेदार रिक्वेस्ट सेंसर आपको दिया गया है, और ये सारे कंट्रोल, वन टच डाउन आपका ड्राइवर साइड का विंडो रहेगा। और ये जो है आपके हाइट एडजस्ट के साथ आपको सीट मिल जाती है। और ये चेक कर लो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, हर एक चीज़ मतलब सारी चीज़ें मिल जाएंगी भाई आपको इस गाड़ी के अंदर, कोई भी आपको कमी नहीं फील होगी, बट एक सनरूफ की होगी। सो इसका भी यार फेस लिफ्ट अब जल्दी है, क्या पता आ जाए, ऐसा होप करते हैं कि आ जाए यार, क्योंकि अब मार्केट में काफ़ी तगड़ी तगड़ी चीज़ें आ रही हैं। सो चलो एक बार मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ। सो आप ये चेक कर लो पहले, स्टेयरिंग सिर्फ टिल्ट होगा, इसमें टेलीस्कोपिक नहीं दिया गया। और एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें, ये आपके ऑडियो कंट्रोल्स हैं, और राइट साइड में क्रूज़ कंट्रोल, और ये इसकी MID है छोटी सी बीच में। एंड रेड लाइट यूज़ की गई है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, और ये इसका फीचर देख लो भाई, अगर बैटरी कम है आपकी की में तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले दिखा देगी, मतलब स्विफ्ट से भी आप ऐसे ऐसे फीचर्स की उम्मीद कर सकते हो भाई, क्योंकि ये गाड़ी ऐसे ऐसे आपको फीचर ऑफर करती है। सो यहाँ पर आप यार देखो फ्यूल कम है तो ये भी दिखा देगी कि देख लो भाई भरवा लो। सो ये है आपकी मतलब कि स्विफ्ट ऑटो क्लाइम कंट्रोल, AC आपको इसमें मिल जाएगा। कैमरे की क्वालिटी आप चेक कर लो, मतलब डिसेंट आपको मिल जाती है, ऐसा भी नहीं कि बहुत क्लियर है भाई। और वैनिटी आपको यहाँ पे मिरर मिल जाता है, इस तरफ में आप रिसिप्ट वगैरह रख सकते हो। एंड राइट साइड में आपको यहाँ पर मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और हेडलाइट लेवलर के कंट्रोल, और पार्किंग सेंसर्स भी आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। और ये चेक कर लो भाई, इसके गोलू गोलू से डायल हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइम कंट्रोल के, और काफ़ी बढ़िया लगते हैं, और अच्छी क्वालिटी के हैं, ऐसा नहीं कि गंदी क्वालिटी यूज़ की गई है। 2 कप होल्डर हो गए, आर्मरेस्ट नहीं है यार, आर्मरेस्ट दे देते ना और बढ़िया लग जाता है इसमें, मतलब मज़ा सा आ जाता, सपोर्ट मिल जाता है काम को। और ये चेक कर लो यार लाइट, मतलब डिपर मारते हो भाई, इसमें कोई दिक्कत आ रही है मेरे को नहीं समझ आ रहा, जो मैं आपको दिक्कत बता रहा हूँ, आवाज़ आती है पंपिंग की, वो मुझे नहीं पता क्यों आती है, इस हर एक स्विफ्ट में आती है तो मेरे को कमेंट में बता देना, या फिर इसी में दिक्कत है। और ये चेक कर लो आप, इसमें आपको हेड अप डिस्प्ले कुछ भी नहीं मिलेगा, आवाज़ सुनो ध्यान से, देख रहे हो यार, मतलब क्या पता तुम्हें समझ आ रही हो आवाज़ कि कैसी आवाज़ है, बट हाँ आती है इसमें आवाज़ किसी टाइप की। एंड सबसे गलत बात जो भाई मेरे को गाड़ी में लगी, टॉप मॉडल होने के बाद भी इसमें सिर्फ आपको 2 एयरबैग मिलते हैं, इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना आपको गाड़ी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।